अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ये सब व्यूअर्स, इस वक्त मैं मीठादर कराची में ईदी सेंटर के मरकज़ में मौजूद हूँ और ये अंकल हैं, इनका नाम है अब्दुल करीम। और अब्दुल करीम साहब जो हैं वो पैदा भी यहीं पर हुए और पूरी ज़िंदगी इन्होंने ईदी सेंटर में गुजार दी। इनसे बात करें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोल दो, थोड़ा सा यही पर पैदा हुए और फिर सारी उम्र आपने यही गुजार। सही, अभी आप यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सही, तो ईदी साहब की याद तो आती होगी? ईदी साहब को क्यों नहीं याद आती है? ईदी साहब को जाते थे, सब कुछ करते थे, यज्ञ भी उठाते थे, सब कुछ करते थे, डेढ़ बजे भी गुस्ल कफन दिए मैयत को, बाबा के साथ गए मैयत उठाए, गुस्ल कफन भी दिए, सब कुछ किया। भाई कहते जो जो एक साथ किया वो भी हम लोग किए। बाबा ने बोला कहने बेटे पीछे नहीं हटना, आगे बोलो, जितने लाशें मिले उठाओ, जगमीन मिले एक बोरी मिले उठाओ। तो अभी कितने बच्चे हैं? मेरा शादी नहीं। नहीं नहीं, वैसे यहाँ पर बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं कम से कम 20 जो पढ़ रहे हैं। जी सही, तो आपकी यही फैमिली है? जी दीदी जी, छोटे से बड़े यहीं पर हैं जी। अब्दुल करीम जिन्होंने सारी उम्र ईदी सेंटर में, ये तो इनका घर है, बल्कि सेंटर तो हम लोगों के लिए है, आपका तो ये घर हुआ। बहरहाल इस पर ईदी साहब को जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए वो कम है और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।